देखिए, अभी जो प्राइमा फेसी पुलिस का सूचना करीबन 6:30-7 बजे की घटना बताई जा रही है। 7 बजे पुलिस को सूचना मिली है। कुछ लोग यहाँ पर मौके पर थे, तो उनका कहना है कि कुछ लोग तैरते हुए किनारे तक पहुँचे हैं, और टोटल 14 लोग थे बोट में, जिनमें से 6 लोगों को तो लाइव रेस्क्यू किया गया है और 3 लोग जो हैं वो सस्पेक्टेड डेड हैं। बाकी 5 लोग अभी पुलिस, जल पुलिस टीम्स और बाकी लोग उनको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। कहाँ के लोग बताए जा रहे हैं, किस तरह के? देखिए, ये पता लगा है ये लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, कोई लातूर का है, कोई नांदेड़ का है, ऐसे ये करीबन 12 लोग थे, 2 अन्य लोग लोकल मिला के 14 हो गए। अच्छा, ये नौका विहार कर रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, क्या जानकारी? ऐसा बताया गया है कि पूजन करने के लिए आए हुए थे, और पूजन करने के बाद सस्पेक्टेड शायद नाव में छेद हुआ है, जैसा कि जो महिला है उसके द्वारा बताया गया है। उसके बयान अभी और लिए जा रहे हैं, और जो व्यक्ति है, जो एक पंडित था जो उनके साथ था, जो पंडा था जो इनके साथ था, उसके भी द्वारा यही बात बताई गई कि एकदम से नाव के अंदर पानी भर गया, तो सस्पेक्टेडली हो सकता है नाव में छेद हो गया, और छेद होने के कारण नाव स्वयं नाव अंदर चली गई हो। तो जी, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी संवेदना व्यक्त की है, और कहा गया है कि हर संभव मदद पुलिस प्रशासन जो यहाँ इन परिवारों को जो मुहैया करा सकता है, बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ मुहैया कराएगा। डेड बॉडीज़ हैं, उनको भेजा गया, उनको भी मॉर्चरी भेजा जा रहा है।